नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप सभी का स्वागत है आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन 1950 से ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को खत्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था। ऐसा सितंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान किया गया, लेकिन इस राशन प्रक्रिया को युद्ध खत्म होने के बाद जारी रखने के फैसले का विरोध हुआ और आखिरकार इसे खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन के तत्कालीन पेट्रोल और ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि दो अमेरिकी कंपनियों ने ब्रिटेन से सामान खरीदने के बदले पेट्रोल सप्लाई करने का करार किया है, लेकिन उनका कहना था कि राशन प्रक्रिया खत्म किए जाने से इसमें कार्यरत 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। आज ही के दिन 1949 में सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता अरुणा रॉय का जन्म हुआ था। राजस्थान के गरीब लोगों के जीवन को सुधारने और इस दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए विशेष तौर पर उन्हें जाना जाता है। 2000 में अरुणा को मैग्सेसे पुरस्कार और मेवाड़ सेवा श्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अरुणा रॉय ने पुरस्कार से प्राप्त राशि को एक ट्रस्ट को सौंप दिया था, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में संघर्ष को बल मिले। वर्तमान में अरुणा रॉय राजस्थान के राजसमंद जिले के देव डुंगरी गांव से पूरे भारत में संचालित मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष है। आज ही के दिन 1983 में पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ था। सुशील कुमार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान है और 2018 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय पहलवान हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में दो पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय बने। सुशील कुमार को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज ही के दिन 1986 में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ। श्रीकांत वर्मा हिंदी साहित्य में कथाकार, गीतकार और एक समीक्षक के रूप में विशेष तौर पर जाने जाते हैं। राजनीति से भी ये जुड़े हुए थे और 1976 में राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे। श्रीकांत वर्मा दिल्ली में पत्रकारिता से भी जुड़ गए थे। वर्ष 1965 से 1977 तक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से निकलने वाली पत्रिका दिनमान में संवाददाता की हैसियत से कार्य किया। श्रीकांत वर्मा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के काफी करीब थे। श्रीकांत वर्मा को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 26 मई दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81%। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए समय उपयुक्त नहीं है। छात्राओं के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। बाहरी स्थानों से हानि संभव है। रुके हुए काम बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52%। स्वभाव में आवेश और क्रोध की अधिकता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामयाबी आपके साथ होगी। यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद व लाल तथा निषेध रंग सिलेटी व काला। मिथुन, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70%। आपकी आय बढ़ेगी। बेरोजगारों को नौकरी के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग पीला व सफेद। कर्क, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55%। नए सहयोगी मिलेंगे और आपका रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें। आपके खर्चे बढ़ेंगे। प्रोफेशन में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मदद मिल सकती है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग नारंगी लाल तथा निषेध रंग हरा व काला। सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 91%। कोई शुभ समाचार संभव है। सेहत में मंद गति से सुधार होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अतरंग अथवा विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। नए मित्र बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल, गुलाबी, सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला, काला व हरा।
कन्या आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 71%। भाग्य को भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे, परिणामों का असर मिला जुला रहेगा, कुछ मोर्चों पर समझौता करना पड़ सकता है, आपका परिश्रम व्यर्थ हो सकता है, कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग मस्टर्ड सिंदूरी। तुला आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42%। कोई परेशानी आ सकती है परंतु आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। धार्मिक यात्रा की व्यवस्था के चलते निरस्त करना पड़ सकता है, निराशा रहेगी, संतति से संबंधित उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग लाल तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76%। किसी परिजन को लेकर भी चिंता रह सकती है, अनुकूल समय का लाभ उठाएं, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने से निराशा के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग भूरा व काला। धनु आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72%। जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं, सब्र से काम लें, पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। योजना बनाकर समझबूझ के साथ अपने कार्य को करते जाएं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती तथा निषेध रंग हरा व काला। मकर आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46%। नौकरी की दृष्टि से समय लाभप्रद रहेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग काला। कुंभ आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47%। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के योग हैं, भाग्य भी आपके साथ है, विशेष रूप से अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने की संभावना है, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग सिलेटी। मीन आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल है, नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग है। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें, व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल गुलाबी तथा निषेध रंग हरा काला व सिलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारियों के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121266888 या 0983706046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।